मेरा नाम पंकज शर्मा है सर। सन 1660 ईस्वी में ये राजा विजयचंद ने ये जो गांव में बसाया और 1690 ईस्वी में ये जो मंदिर है इसका निर्माण कराया गया। तो राजा विजयचंद को रात को सपन हुआ, भगवान सपन में आए कि कातला में ब्यास नदी के पानी के नीचे गहराई में जो है ये मंदिर मूर्तियाँ विद्यमान है चट्टान के ऊपर। तो राजा जी जो हैं वो पहले तो उन्होंने सैनिक भेज दिए राजा हट के कार को, मूर्तियाँ उनसे उठाई नहीं गई। फिर राजा को खुद जाना पड़ा, वो मूर्तियाँ लाए और यहाँ स्थापित की गई। फिर उसके बाद यहाँ पर मुगलों का अटैक हुआ, मंदिर के पीछे गड्ढा किया उसमें दबा दिया और सुबह मुगलों ने अटैक कर दिया। तो एक हनुमान की जो मूर्ति है सर बाहर आप देखेंगे वो जो है ग्लास वाली जी, उसमें क्या किया कि उनको रहने दिया बाहर, बाकी सब कुछ जो गहने वगैरह थे वो छुपा दिए। जैसे ही मुगलों ने अटैक किया तो सोना लूटने के लिए मुगलों ने इनके हाथ काट दिए हनुमान जी के, जिसके ऊपर के बाजूबंद के रूप में सोने के बाजूबंद थे। जैसे ही वो उन्होंने बाजू काटे वैसे ही जो है वो रंगड़ काटने वाली बड़ी बड़ी मक्खियाँ जो है उनकी कानों से निकली और सारे मुसलमानों को इसी आंगन में मार दिया। अच्छा हाँ जी। और सर एक हिस्ट्री वो भी है कि रंगड़ जो है आज भी आपको इस मंदिर के ऊपर मिलेंगे। अच्छा। और जब किसी का बच्चा वगैरह कुछ भी बीमार हो तो वो पहले माता को गोद में भी आता है, मतलब माता को अर्पित कर देते हैं, फिर कुछ दान दक्षिणा देके जो है वो माता से उस बच्चे को वापस लेते हैं। अच्छा। ये सर इसकी छोटी सी हिस्ट्री है। बाकी जितने भी आजू बाजू के गाँव हैं सर ये उनका कुल देवता है, मतलब तो कोई भी शादी होगी कुछ भी फंक्शन होगा या कुछ भी होगा तो पहले उनको इस मंदिर में आना होगा, फिर जैसे फंक्शन होने के बाद फिर इस मंदिर में आना होगा। अच्छा। ये इस मंदिर की मान्यता सर उनके अंडर चलता है जे एन के धर्मा ट्रस्ट के। अच्छा। महाराजा जो करण सिंह है उनकी ट्रस्ट है, वही इसकी देखभाल करते हैं क्योंकि उनकी माता जी तारानी वो यहाँ से थी, जब जम्मू के राजा हरि सिंह थे उन्होंने यहाँ से शादी की, उनके बेटे राजा करण सिंह, तो उनकी ट्रस्ट जो है इनको देखती है। जो है चैत्र मास में रामनवमी के दिन जो है वो पहले अखंड रामायण पाठ होगा सर, और दसवीं के दिन है जो विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। बहुत पुराना है और कम से कम 40-45-50 साल पुराना चलता आ रहा है और बहुत काफ़ी लोग दूर 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 से आते हैं। तो सर ये सदियों से जो भंडारा चलता आ रहा है, लोग जो हैं दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मन्नत पूरी करते हैं और काफ़ी जो है वो यहाँ पर मेला लगता है, एक तो ऊपर से काफ़ी रश होता है, लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। आसपास के जितने भी गाँव के लोग हैं 40-50 किलोमीटर के जितने भी हैं वो सब यहाँ आते हैं। अच्छा। यहाँ पे चैत्र मास के अलावा भी मेला लगता है किसी और महीने में? नहीं सिर्फ चैत्र मास में लगता है, बाकी दिन तो रश चलता रहता है सर, जैसे निर्जलाकाशी है या जन्माष्टमी भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। अच्छा। बाकी और हनुमान जयंती है वो भी मनाते हैं, लेकिन जो मेन पर्व है हमारा वो चैत्र मास में जो है वो रामनवमी और दशमी के दिन होता है सर। और नौ वर्ष पे भी यहाँ पे कुछ उत्साह या वैसे तो नौ वर्ष पे चलता है सर, पूजा पाठ पे चलता रहता है, लेकिन बेसिकली वही है। वैसे तो आप जैसे मैंने बोला ना कि जन्माष्टमी हो गई या निर्जलाकाशी हो गई, जैसे बड़े बड़े त्यौहार हैं उन पे हम मनाते हैं जो अपने तरीके से, लेकिन जो बड़ा लेवल पे है वो वही होता है हमारा। इसके अलावा अगर किसी को कोई फंक्शन कराना हो तो वो होता है सर, जैसे लोग आते हैं अपनी मन्नत पूरी करते हैं तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर कच्चा राशन लेके आएंगे सर, फिर यहाँ बनाया जाएगा, फिर भगवान को भोग लगेगा, फिर जो है वो अपने अपने से लोगों को इनविटेशन दिए होंगे बुलाया होगा वो खाना खिला दें। इस महीने में कम से कम जो है वो 10-12 जो हमारे भंडारे हैं वो हो चुके हैं छोटे मोटे जो कि चलते रहते हैं। अभी एक था वो अब अगले महीने भी चलेंगे, मतलब अगले महीने भी 3-4 भंडारे हैं। तो भेंट में शुरू में कुछ पर्टिकुलर कुछ भी सर, प्रसाद हो गया भगवान के लिए, बस्तर हो गए, हलवे का प्रसाद हो गया, कच्चा राशन हो गया, झंडियाँ हो गई सर, जैसे भी उनकी अपनी श्रद्धा है। भगवान के वस्त्र को जैसे अर्पण करने हैं तो उसके वस्त्र में क्या क्या रहता है? सर उनके वस्त्र में एक तो पहले की 21 मीटर हमारा जो है वो रेशमी वस्त्र लगता है, गोटा उसमें लगेगा, हार लगेंगे। हाँ जी। तो 21 मीटर रेशमी वस्त्र होता है सर, गोटा वगैरह, हार, प्रसाद, और उसके बाद जो इनको भगवान को पग्गे लगाई जाती है वो होगा सर। तो माता के लिए क्या रहता है? माता के लिए सर चोली होती है, घाघरा होता है, और कोई साड़ी भी देके जाते हैं सर वो भी लगा देते हैं, चुन्नी भी हो सकती है, चुन्नी भी होती है रेशमी चुन्नी। तो उसके बाद लक्ष्मण जी के लिए भी कुछ रहता है? हाँ, लक्ष्मी की मतलब माता सीता का स्वरूप लक्ष्मी रूप एक ही है। तो 21 मीटर जो रहती है वो तो लक्ष्मण जी के भी उसमें पूरे जाते हैं? उसमें सारे वस्त्र आ जाएंगे सर, राम भगवान के भी, माता सीता के भी और लक्ष्मण के भी। तो उसमें पर्टिकुलर कलर रहता है? ये कलर जैसे मतलब एक नीला और काला नहीं होना चाहिए, बाकी पिंक हो गया, गुलाबी हो गया, जिससे कि अच्छी कलर माता का चेहरा
अच्छा लगे और जचे। ओके, मतलब डल कलर नहीं चाहिए हमें, ब्राइट कलर होना चाहिए, ब्राइट कलर होना। और इसमें गोटा वगैरह कुछ लग रहा है? जैसे 5-10 मीटर गोटा लगता है सर, और भी है बाजूबन के लिए अलग से कपड़ा लगता है और अलग से गोटा होता है सर। बाकी श्रृंगार पे तो आप कई जैसे मोतियों की माला लेके आते हैं, कई कंठी लेके आते हैं, कई जैसे माता को नथ चढ़ाते हैं, कई भगवानों के लिए हार लेके आते हैं। ठीक है, थैंक यू।